कोरोना वायरस संक्रमण के चलते देशभर में लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। तीसरे चरण में पहुंचने पर केंद्र सरकार द्वारा कई सामानों की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। इसी क्रम में हरिद्वार जिला अधिकारी ने भी कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगह में लोगों को राहत दी है, जिसमें आबकारी की शराब की दुकानें भी शामिल है। आज सुबह हरिद्वार में शराब की दुकानें खुली, जहां स्थानीय लोग सुबह 6 बजे से ही शराब की दुकानें खोलने का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं मौके पर पुलिस बल भी लगाया गया है और कोरोना संक्रमण न फैले इसके लिए लोगों के बीच सोशल डिस्टेंस भी बनाया गया है। सीओ सिटी अभय सिंह का कहना है कि शुरुआत के समय में लॉकडाउन के चलते सिर्फ जरूरी सामान की दुकानों को खोला गया था। के दौरान शुरू में जब आरंभिक व्यवस्था लागू की गई थी तो उसमें कुछ एसेंशियल सर्विसेज की जो दुकानें थी वही खुलती थी। कल जिलाधिकारी महोदय ने कुछ उसमें और ढील देते हुए कुछ दुकानों को और अनुमति दी है, उसमें आबकारी की दुकान, क्योंकि बहुत दिनों से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तभी से दुकानें बंद थी, इसलिए थोड़ी संख्या यहाँ पर दिख रही है, लेकिन फिर भी हमने जो ठेके हैं हमारे वहाँ हरिद्वार में उन सभी ठेकों के बाहर ड्यूटियाँ लगाई हैं। प्रॉपर तरीके से लोगों को मोटिवेट भी किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, तो हमारे वहाँ ठीक चल रहा है। हरिद्वार में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से जिले अभी भी रेड जोन में है, फिर भी लॉकडाउन के चलते हरिद्वार में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति जिला अधिकारी ने दे दी है, जिसमें आबकारी की भी दुकानें खुली हैं। लॉकडाउन के पहले चरण से ही शराब की बिक्री में सभी दुकानें बंद थीं, इसलिए आज भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। फिलहाल पर्याप्त संख्या में पुलिस बल शराब की दुकानों के बाहर तैनात किया गया है और लोगों को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की हिदायत दी जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।